हेलो माय लवीज, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो मैं आज स्टार्ट कर रही हूँ सेलिब्रिटी रिक्रिएशन मेकअप लुक। तो मैं फर्स्ट मौनी रॉय का ये लुक अचीव किया है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। सो लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने स्किन को प्रेप करूंगी, तो मैं यूज करूंगी अरोमा मैजिक का ये रोसिप टोन। आप कोई भी मॉइस्चराइजर ले सकते हो उसके बदले। उसके बाद मैं अपने आईब्रोज को कोम कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ स्पूली। उसके बाद मैं आईब्रोज को फिल कर रही हूँ, जिसकी आप स्क्रीन पे देख रहे हो। मौनी का जो आईब्रोज है बहुत ही यू नो प्रिसाइज एंड डार्क है, तो मैं वही उस टाइप का ही लगा रही हूँ। आप कोई भी आईब्रो फिलर ले सकते हो। उसके बाद मैं एक हैक करूंगी अपने आईब्रोज को सेट करने के लिए। मैं यूज करूंगी मेबेलिन का ये यू नो हाइपर कर्ल मस्कारा और अच्छे से अपने आईब्रोज को सेट कर लूंगी। अगर आपके पास आईब्रो सेटर नहीं है तो आप ये हैक यूज कर सकते हो, बहुत ही अच्छा काम करता है। देन मैं यूज करूंगी स्विस ब्यूटी कंसीलर, अच्छे से अपने बेस को सेट कर लूंगी। उसके बाद अपने जो कंसीलर को सेट करने के लिए वही शेड ले रही हूँ बनाना शेड वेट इन वर्ल्ड के कॉन्ट्रोल पैलेट से। अच्छे से सेट करने के बाद मैं यूज करूंगी सुगर का ये लाइनर, क्योंकि उनका कोई भी नो आई शेडो लुक है, बस लाइनर एंड मस्कारा एंड लैशेज है, तो मैं वही करूंगी। तो लाइनर उनका विंग लाइनर लगा हुआ है, तो मैं यूज वही लगा रही हूँ उनके। उसके बाद मैं ऑफ कैमरा लैशेज लगा रही हूँ, जैसे कि उनका है, आप स्क्रीन पे देख रही होगी आप उनका फोटो। उसके बाद मैं काजल ले रही हूँ सुगर का, बहुत ही अच्छा है। अपने इसको टाइटलाइन करने के बाद मैं वेट इन वर्ल्ड का ये व्हाइट काजल लेके अपने वाटरलाइन पर फिल कर रही हूँ, क्योंकि उनका वही सेम है व्हाइट काजल, उन्होंने अप्लाई किया हुआ स्क्रीन पे आप देख रही होगे। उसके बाद मैं ब्लू हेवन का प्राइमर ले रही हूँ। आप कोई भी प्राइमर ले सकते हो, बट दिस वन इज द बेस्ट गाइस, अफोर्डेबल है और बहुत ही अच्छा काम करता है। उसके बाद ये मेबेलिन का सुपर स्टे फाउंडेशन ले रही हूँ, और मेरा शेड जो भी है प्रोडक्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप आराम से परचेस कर सकते हो। उसके बाद मैं कॉन्ट्रोल पैलेट से बनाना शेड लेके फेस को सेट कर रही हूँ। उसके बाद ये मेबेलिन का सेटिंग स्प्रे लेके अपने फेस को सेट कर रही हूँ। उसके बाद ये मेबेलिन का कंसीलर लेके अपने फेस को हाईलाइट कर रही हूँ, क्योंकि उनका भी फेस हाईलाइटेड है, आप स्क्रीन पे देख रही होगे। उसके बाद अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। उसके बाद सेम ये बनाना शेड लेके अच्छे से अपने अंडर आईज को एंड जहाँ पे मैंने हाईलाइट किया उसको सेट कर रही हूँ, आप देख रहे हो। सेट करने के बाद अभी बारी है कॉन्ट्रोल की। उनका हाफ फेस बहुत ही अच्छे से कॉन्ट्रोल है, और नोज को भी कॉन्ट्रोल कर रही हूँ। आप कोई भी कॉन्ट्रोल यू नो आप ले सकते हो एज पर योर चॉइस। नोज को कॉन्ट्रोल करने के बाद मैं अभी अपने फेस को हाईलाइट कर रही हूँ। तो गाइस जो भी प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हो नोज को। एंड अभी उनका जो फेस में थोड़ा सा पिंकिश टाइप का ये है, तो हल्का सा मैं ब्लश ले रही हूँ, और उनका लिप्स इस न्यूट कलर का है, न्यूट कलर का लिपस्टिक उन्होंने अप्लाई किया हो, तो मैं ये वाला लूंगी। उसके बाद हम लोग अपने आई मेकअप को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद मैंने मस्कारा लिया है रिमेल का, एंड हमारा लुक एकदम कंप्लीट हो चुका है। एंड अपने लोअर लैश लाइन पे भी अच्छे से मस्कारा मैं अप्लाई कर रही हूँ, जैसे कि आप देख रहे हो। एंड तो गाइस फाइनल लुक आपको कैसा लग रहा है, और मैंने कितना परसेंट जस्टिफाई किया है मौनी रॉय के लुक को, वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताए। और वीडियो कैसा लगा वो भी मुझे बताए कमेंट बॉक्स में, और आगे मैं कौन सा रिक्रिएशन करूँ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ऐसे मेरे पास बहुत सारे सजेशन है, बट आप ही बोलोगे तो मैं आपके लिए जरूर करूंगी। एंड या वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, छोटा सा बेल बटन उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, एंड गिव अवे पार्टिसिपेट इसको अपनी स्टोरी पे डालना मत भूलिएगा। सो आई बी बैक विद अनदर एक्साइटिंग रिक्रिएशन। टिल देन स्टे गॉर्जियस एंड आई लव यू सो मच। बाय।